हेलो दोस्त। तो आज दोस्तों हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग ये 4 मार्च की दूरी कितने टाइम में हम लोग 220 पल्सर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ से आपका लग जाता है बालोद जिला। काफ़ी सड़क अच्छी बनी हुई है। आप जब भी आते हैं माकड़ी से धमतरी के बीच सड़क मस्त टनाटन है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हाईवे है, फुल चौड़ीकरण हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक राइड भी करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब हम लोग मरका टोला घाट दोस्तों, इसको गाड़ी आसानी से आ जा सकती है। लोडिंग गाड़ी को भी उसको भी दिक्कत नहीं होती, चढ़ाव कम है। देख सकें दोस्तों काफ़ी नज़ारा है यहाँ पे। ये मंदिर बना हुआ है, टन है, फिर भी या कहीं भी एक्सीडेंट वक्सीडेंट होता है तो ट्रैफिक को नहीं है, क्योंकि सड़क बहुत ही काफ़ी चौड़ी है। ये है राजा राव पठार का मतलब मेला। दिसंबर में काफ़ी बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है आदिवासी समाज द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सड़क किनारे ट्रक भी खड़े होने के लिए काफ़ी जगह है। प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ओवरटेक करते हैं। तो पहले तो काफ़ी ओवरटेक के चक्कर में एक्सीडेंट होता था, लेकिन अभी चौड़ी सड़क हो गई तो ओवरटेक करने से भी कोई प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ी चलती हैं जबलपुर से रायपुर के बीच। यहाँ से आंध्रा के लिए भी ट्रकें आंध्रा से आती हैं रायपुर छत्तीसगढ़। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जगतरा टोल नाका। आप देख रहे हैं आगे टोल नाका है ये, और धमतरी के बीच पड़ता है। तो हम लोग को तो उधर से जाने के अलावा नहीं, तो हम लोग को किनारे से जाना पड़ेगा टोल नाका से। है दोस्तों इधर भी बना देख सकते हैं, हम लोग पेट्रोल भरा लिए, अब यहाँ से निकलेंगे धमतरी के लिए। है बालोद गहन आता है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी स्पेशल ट्रक व्रक खड़े होने के लिए, जैसे यहाँ पे ट्रक पार्किंग करके ट्रक वाले ढाबे में खाते पीते हैं, रेस्ट भी करते हैं। यहाँ का बेस्ट ढाबा मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं। तो ढाबा बेस्ट है, यहाँ अच्छी क्वांटिटी अच्छी प्राइस में मिलता है। ये है कुरुद, है कुरुद धमतरी से पहली देखते, काफ़ी बड़ा है कुरुद। यहाँ भी सभी चीज़ें मिल जाती है प्रया प्रया। यहाँ से आप चौक से लेफ्ट साइड से बालोद गाँव जाते हैं, लाइट भी काफ़ी बड़ी ऊंची है। दादा बस जो नांदगांव से धमतरी ओवर ब्रिज बना हुआ है, अच्छा ही चरमा में भी ऐसी बना है, लोगों को पैदल पार करने में दिक्कत ना हो करके ओवर ब्रिज के जरिए से सड़क को इस पार से उस पार जा सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं चिट्टौद। चिट्टौद है धान संग्रहित केंद्र, पूरे जिले भर के दिन लाया जाता है, उसके बाद यहाँ से मिल में जाती है। बड़ी बड़ी मिले हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। यह है